हैप्पी मैरी क्रिसमस गाइस, वैसे कल था मैरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं अपना एक्सपीरियंस जो कि पबजी खेलते हुए मुझे मिला वन प्लस के स्मार्टफोन के साथ। तो यार, मैं जो है वन प्लस के पिछले स्मार्टफोन 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और लाइक मुझे पता है कि वन प्लस ने किस तरीके से अपने आप को चेंज करा है वन प्लस 5T से लेके वन प्लस 7T Pro तक। तो वन प्लस 7 Pro भी मैंने यूज़ करा है, अब मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ अभी इस टाइम पर वन प्लस 7T पिछले 3 या 2.5 महीनों से। और ये फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को मज़ेदार लगा और कई चीज़ों के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि ये फ़ोन यार बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इस टाइम पर। और जैसे कि आप लोगों को पता है, अमेज़न के ऊपर जो इसका प्राइस है वो कम हो चुका है, तो 34,999 का मिल जाता है अमेज़न के ऊपर ये अभी इस टाइम पर। और आप लोग इसे परचेज कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सोच रहे होगे कि लेना या नहीं लेना। तो 2019 का एंड हो रहा है और मैंने सोचा यार आप लोगों को एक बहुत ही तगड़ी सी वीडियो देता हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में जो कि आप लोगों को पता ना चाहिए। तो गाइस, ये है एक की बहुत ही मैं कह सकता हूँ अच्छा स्मार्टफोन अगर आप लोग कंसीडर करते हो वन प्लस जैसा ब्रांड। वन प्लस ने जो यार ये फोन निकाला है, मैं कह सकता हूँ ये एक कॉम्बिनेशन मान लो आप गेमिंग स्मार्टफोन प्लस अ प्रीमियम स्मार्टफोन। तो बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को टॉप ऑफ द लाइन के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि स्नैपड्रैगन का 855+ प्रोसेसर है इसके अंदर, साइज 90Hz की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और साइज यहाँ पे आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी कैमरा उठ के नहीं आ रहा जैसे वन प्लस 7 Pro में आता है, या फिर कोई अजीब सा नॉच का स्टाइल नहीं, काफ़ी सिंपल मिनिमलिस्टिक नॉच है और जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटी लगती है नॉच, कुछ ज़्यादा ऐसी बड़ी भी नहीं है। और ओवरऑल अगर बात करूँ तो फोन जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, करीब जैसे मैंने आपको बताया मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना डेली ड्राइवर, मैंने अपनी मेन सिम इसमें डाल रखी है, तो मुझे जो एक्सपीरियंस मिला इस फोन से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि ये जो है ओवरऑल क्या इसके अंदर आप लोग पबजी अच्छे से खेल सकते हो और क्या ये फ़ोन हीट करता है, तो मैंने यार जो हीटिंग के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये जो फ़ोन है काफ़ी 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 कम हीट होता है। और मैंने इसको करीबन 1.5-2 घंटे तक भी इसमें गेम खेली है, मैं ज़्यादा गेम नहीं खेलता वैसे, तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता कि मैं हार्डकोर गेमर हूँ, बट जितनी मैंने इसमें गेम खेली है मैंने इतना नोटिस करा है कि इसमें बेयरली ये हीट अप होता है। और इतना भी ज़्यादा बढ़िया गेमर नहीं हुआ है मैं, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही कभी टाइम पास नहीं हो रहा होता तो जब गेम खेल लेते हैं। लेकिन जो ओवरऑल अगर आप बात करते हो गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो 855+ होने के वजह से क्या होता है कि जिसमें आप लोगों को एफिशिएंसी मिलती है वो बहुत अच्छी है, लाइक दोनों का ही मान लो बिल्कुल आपको तगड़ा मिश्रण मिल रहा है, मिक्सचर। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आप लोगों को पबजी इसमें खोल के दिखाता हूँ और हम लोग चेक करते हैं कि पबजी के इसके अंदर आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप और विदाउट एनी फ्रेम लैक्स खेल सकते हो या नहीं। TDM खेलेंगे, TDM में चेक करते हैं कैसा मौसम और कैसा, वैसे दिल्ली में मौसम की तो पूछ के मत, 6-6 डिग्री पहुँच रहा है भाई, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो ये है हमारा फ़ोन एंड ओवरऑल अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये मैं कह सकता हूँ डिस्प्ले है ये, एंड फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो आप लोग यहाँ पे 90Hz को देख सकते हो कितना ज़्यादा स्मूथ है, वैसे कैमरा के ऊपर तो खैर दिखेगा नहीं आपको, पता नहीं चलेगा कितना स्मूथ है, लेकिन अगर मैं इसे पबजी खोल के दिखाऊँ तो आप लोगों को वो पता रहना चाहिए कि पबजी परफॉर्मेंस कैसी है। तो लेट्स ओपन पबजी ऑन दिस। तो ये रही पबजी हमारी, एंड इसमें मेरा मेन अकाउंट है जिससे मैं पबजी खेलता हूँ इसके अंदर, तो वही अकाउंट से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पबजी इसमें कैसी चलती है। आप लोगों लाइक कुछ नहीं ऐसा होगा, दिक्कत महसूस नहीं होगी क्योंकि हम लोग सब कुछ जो है आपके सामने टेस्ट कर रहे हैं और सब कुछ आपके सामने ही रहने वाला है। एंड सबसे ज़्यादा बताऊँ यार गाइस, ये जो कैमरा के पीछे ना खड़े होकर ना खेलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दूँ ताकि आप लोग आवाज़ आवाज़ आ जाए। जैसे देख सकते हो यार ये मेरी जो अपनी ऑफिशियल आईडी है वही है एंड उसी पर खेल रहा हूँ मैं ये गेम। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग, तो ग्राफिक सेटिंग के अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं, तो HDR और एक्सट्रीम के अंदर सेट है और कलरफुल, अल्ट्रा HD तो जा ही नहीं सकते हम लोग, लो पे जाके जा सकते हैं अल्ट्रा HD, नहीं सॉरी गाइस बैड लक, कलरफुल अप्लाई, ओके ठीक है ये हो गई TDM गाइस वॉर, देख सकते हो TDM मैं खेलने जा रहा हूँ, TDM खेलेंगे इसके ऊपर एंड सही से वेयर हाउस वाला खेलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको एंड लेट्स सी क्या होता है अब गेम के अंदर, क्योंकि भाई कैमरे के पीछे खेलना थोड़ा ऐसे मुश्किल सा हो जाता है, बट लेट्स सी कैसी चलती है इस पर गेम। ओ भाई फ़ोन भी गिर रहा है तो हाथों से, वैसे मेरे को क्लॉक खेलना आता नहीं है लेकिन मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला है भाई क्लॉक खेला करो काफ़ी सही रहता है। ओ भाई देखो गाइस लैग बिल्कुल नहीं है, देख सकते हो कोई लैग नहीं है, 20 पिंग आ रही है मेरी, 20 की पिंग आ रही है, 20 मिलीसेकंड की पिंग है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पिंग है। ओ भाई आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, थोड़ी धीरे कर देते हैं, बंदे कहाँ हैं।
एक और गया गाइस, दो बंदे खत्म, आपके भाई ने दो बंदे मार दिए। एक और बंदा गाइस, एक और आ रहा है इधर से। यार यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा ढंग से यार। अरे यार मेरे को पीछे से मार दिया। शेट शेट भाई, बड़ा फोकस करके खेलना पड़ रहा है। 6 किल हो चुके हैं। शेट गाइस, शेट शेट शेट, 13 की चल रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी मैच तो मैं खत्म ही करूंगा। 9 बंदे मार चुका है। केडी देखो 4.5 की। अबे यार इसकी थोड़ी सी हेल्थ बची है, बंदे ने मारा ही नहीं यार मेरे वाले ने। अबे यार क्या हो रहा है गाइस, नजर लगा दी आप लोगों ने। गया, बहुत बढ़िया। घुसो 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 घुसो। चल अबे नहीं नहीं नहीं, अबे यार कितने सारे बंदे आ गए राइट में। गाइस विक्ट्री करनी है मेरे को ये वाली गेम, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो बहुत ज्यादा। अबे नहीं 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 नहीं, ओ जीत गए। यस गाइस, किल 16। अब जो लोग मेरे को नूब बोल रहे थे, प्लीज डोंट कमेंट सेइंग आई एम नूब, आई एम नॉट, आई एम अ प्रो प्लेयर। मजाक कर रहा भाई। ये कभी कभार कहते हैं फोन बहुत अच्छा है इसलिए एक्सपीरियंस बढ़िया मिल रहा है आप लोगों को, तो नूब ही हुए जैसे खेल रहे थे वैसे ही है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं आया हमारे गेम प्ले के अंदर। तो भाईज यही है OnePlus 7T। आप लोग मुझे बताओ कैसी गेम प्ले रही इसके ऊपर, और आप लोग क्या इस फ़ोन को परचेज करने जा रहे हो, नहीं करने जा रहे, और क्या लगता है आप लोगों को ये फ़ोन लाइक वर्थ इट है या नहीं। मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट फ़ोन है, और 35,000 के अंदर ये OnePlus की ब्रांड आप लोगों को मिल रहा है। और बेसिकली आप लोग OnePlus, जब आप लोग इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो किसी और ब्रांड के थोड़ा सा ऊपर, तो आप लोग तो ब्रांड वैल्यू को पैसा दे रहे हो, साथ ही साथ आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का भी दे रहे हो जो कि इसके अंदर है, जैसे फिनेटिक मोड हो गया और 2-4 चीज़ें जो कि ऐड करी गई हैं सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और ऑक्सीजन OS वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो ये इसलिए फ़ोन मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो बस यार, और मेरा मेन फोन भी है। तो बस यार यही थी वीडियो, पसंद आई होगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो के अंदर गाइस, बाय।